સુરતમાં કોરોના મહામારી ફેલાઈ રહી છે ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીના કોર્પોરેટરો પ્રજા સેવાની જગ્યાએ માત્ર પત્રકાર પરિષદો યોજી સરકાર પર પ્રહારો કરી રહ્યા હોય તેમ લાગી રહ્યું છે। વારંવાર સુરત મહાનગરપાલિકાની મુખ્ય કચેરીએ પત્રકાર પરિષદોનું આયોજન કરી આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા ભાજપની સાથે તંત્ર પણ આક્ષેપો કરવામાં આવી રહ્યા છે। सूरत में हाल कोरोना महामारी फैलाई छे, कोरोना ने बीजी लहर घातकी साबित थई रही छे, त्यारे सूरत महानगरपालिका नी विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी ना कॉर्पोरेटरो प्रजा सेवानी जग्याए मात्र हाल में शासकों अने तंत्र पर आक्षेपोच करता होय तेम लागी रह्यु छे। चूंटणी पछी सूरत में कोरोना नो बॉम्ब फूट्यो छे, त्यारे आम आदमी पार्टी ना कॉर्पोरेटरो नी एक पण कामगीरी प्रजा समक्ष देखाई नथी। जो के भाजप अने तंत्र सामे आक्षेपो करवा माटे आम आदमी पार्टी ना कॉर्पोरेटर अने महानगरपालिका ना विपक्षी नेता द्वारा वारंवार महानगरपालिकानी मुख्य कचेरीए पत्रकार परिषदनुं आयोजन करी आक्षेपो कराई रह्या छे। त्यारे हालमां जरूरी दवाओ अने रेमडेसिविर इंजेक्शन अने सिविल एनेस्मिमेर हॉस्पिटलमांथी लोकोने मळता नथी अने राज्य सरकार तपास तथा स्थानिक वहीवटी तंत्र सदंतर निष्फळ निवड्यु छे, त्यारे आवी गंभीर कटोकटीना समये राजकारण करी एज इंजेक्शनो भाजप कार्यालयथी मळी रहेशे एवी गुजरात भाजप अध्यक्ष सी आर पाटीलनी जाहेरात केटली योग्य छे तेवा सवालो कर्या हता। तो शुं करी रह्या छे आम आदमी पार्टीना विपक्षी नेता अने प्रवक्ता, सांभळीए। दुःखनी लागणी साथे कहेवुं पड़े छे कि ज्यारे सूरत आजे कोरोनाना नरकनी अंदरथी गुजरी रह्युं छे त्यारे तमाम प्रकार की बेदरकारी सरकारी तंत्रनी अपनी सामे आवी रही है। 6 तारीख ना रोज सांजे कलेक्टर श्री द्वारा परिपत्र जाहिर करवामां आवे छे के अमे अहींयाथी इंजेक्शनोनो जत्थो जरूरियात मुजबनो जत्थो दरेक हॉस्पिटल ने अपावीशुं। 7 तारीख अने 8 तारीख बे दिवस जत्थो अपावामां आव्यो, पण 9 तारीख ना रोज सिविल हॉस्पिटल अने स्मिमेर हॉस्पिटलमांथी प्राइवेट हॉस्पिटलोने जे जत्थो मळवानो हतो ए जत्थो पण महानगर तमाम जत्थो कलेक्टर श्री द्वारा एप्रूवल करी आपवामां आव्या बाद एक पण खानगी हॉस्पिटल ने एमना इंजेक्शनो मळ्या नहीं, त्यारे गई काले रात्रे कलेक्टर श्री द्वारा नवो परिपत्र बहार पाडवामां आव्यो के स्मिमेरमां अने सिविलमां रिजर्व जत्थो बाद करता हवे वधारानो जत्थो अमारी पासे नथी, एटले अमे खानगी हॉस्पिटल ने जत्थो आपीशुं नहीं। तमने खास वात कहूं के बे दिवसथी केन्द्र सरकार ना आरोग्य विभाग की टीम सूरत में कोरोना नो सर्वे करवा माटे जारे आवी थी तो बे दिवस ना सर्वे कर्या बाद कलेक्टर श्री द्वारा पण आ निर्णय लेवामां आव्यो छे। अने कलेक्टर श्री द्वारा जारे निर्णय लेवामां आव्यो एनाथी 3-4 कलाक पहेला भारतीय जनता पार्टी ना प्रदेश अध्यक्ष अने गुजरात सरकार ना आरोग्य मंत्री श्री कुमार भाई कानाणी द्वारा आवी जाहेरात करवामां आवी के भारतीय जनता पार्टी ना कार्यालय थी अमे इंजेक्शन उपलब्ध करावी। आ तो एकदम गैरवहीवटीय गैरबंधारणीय अने राक्षसी कृत्य कहेवाय के गुजरातना नागरिको सूरत शहरना नागरिको ज्यारे एक एक इंजेक्शन साथ माटे वलखा मारे छे, हॉस्पिटलमां इंजेक्शन अवेलेबल नथी, बेड अवेलेबल नथी, वेंटिलेटर अवेलेबल नथी, ऑक्सिजन बेड अवेलेबल नथी, इंजेक्शनो मळता नथी, त्यारे 25 वर्षथी एकधारी सत्ता जे लोको भोगवता आव्या छे ए लोको आजे हाथ ऊंचा करी दिए छे। सरकार हाथ ऊंचा करी दे छे के छे के अमारी पासे इंजेक्शन नी व्यवस्था नथी, त्यारे भारतीय जनता पार्टी ने कार्यालय थी इंजेक्शन केवी रीते मळे छे? आजे मुख्यमंत्री श्री द्वारा एवी वात कहेवामां आवी के भारतीय जनता पार्टी ना कार्यालय पर अमे कोई इंजेक्शन मळ्या नथी, अमने खबर पण नथी के इंजेक्शनो आव्या क्यांथी। आवी गैरवहीवटी अने बेदरकारी वाली वात करनारा मुख्यमंत्री पण मुख्यमंत्री ने लायक नथी, આવી ગેરવહીવટી વાત કરનાર આરોગ્ય મંત્રી કુમારભાઈ કાનાણી પણ એને ખબર નથી કે હું આરોગ્ય મંત્રી છું અને મારી જવાબદારી છે કે ગુજરાતના એક એક નાગરિકને સ્વાસ્થ્યની સારી સુવિધાઓ મળી રહે, ત્યારે અમે આખે આખી સરકારને એમ કહીએ છીએ કે તમારાથી જો સત્તા સંભાળાતી ન હોય, તમારાથી જો વહીવટ થતો ન હોય તો અત્યારે તમે જેમ છાનમુના ઘરે બેઠા છો એમ રોજના માટે ઘરે બેસી જાઓ અને તમારી સરકાર તમે છોડી દો, આ ગુજરાતની જનતાને નર્કમાં ધકેલવાનું તમે બંધ કરો, કાયદાના પ્રમાણે ड्रग्स एंड फूड विभाग ना कायदा प्रमाणे एवो नियम छे के कोई पण व्यक्ति दवा के इंजेक्शन के ड्रग्स ने लगती कोई पण वस्तु वेची होय त्यारे एमनी पासे लायसेंस होवू जरूरी छे, फार्मासिस्ट तरीके नो लायसेंस न होय तो तमे दवाओ वेची शको नहीं, तो कया नियम ना आधारे भारतीय जनता पार्टी ना कार्यालय थी इंजेक्शनो मळे?